गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रविंद्र एक बार फिर होम गार्डन में आपके साथ। और सुबह की नमस्कार आप सभी को पहले। और आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। टॉपिक है कि जो सीड हम लगाते हैं फ्लावर प्लांट के, उनकी देखभाल कैसे करें। तो चलिए, ये वही बोतल है जिसमें हमने अपनी रोज़ वाटर लेंग लगाई थी, और आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी ग्रो कर रही है। अभी भी मैंने इसमें हल्की मिट्टी डाल दी थी, और अब मुझे उम्मीद है कि इसमें अब जड़ें आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहले आज की वीडियो का विचार, और आज की वीडियो का विचार है दोस्तों कि लड़का और लड़की एक समान होते हैं, उनमें डिफरेंस नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। गर्ल और बॉय में, खासकर भारत में, बहुत ज़्यादा ये रूढ़िवादिता है कि हम लड़के को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं लड़की की अपेक्षा, जबकि ऐसा नहीं है। गर्ल और बॉय बिल्कुल ईश्वर द्वारा दिए जाते हैं और वो एक समान होते हैं। तो दोनों की बराबर परवरिश करें, केयर करें, पढ़ाएं लिखाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम बनाते हैं। तो मैं बेसिक बातों से शुरुआत करूँगा। सबसे पहले जो सीड हम उगाते हैं वह दिखाऊँगा मैं आपको। ये फ्लॉक्स के सीड हैं, आप देखिए ज़रा गौर से। और आप जितने भी सीड अपनी ट्रे में लगाते हैं, सॉइल में लगाते हैं, तो वो सभी ग्रो नहीं करते। कंपनियां खुद 70 से 80 या 90% जर्मिनेट लिख कर देती हैं, वो हमारे परिवेश में आके 60 से 50% ही रह जाते हैं। और उनमें भी सीड, ये सभी सीड एक समान नहीं है, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। तो मेरा ये अपना अनुभव है, और आप सभी का भी अनुभव होगा, कि जो छोटे सीड होते हैं वो ज़्यादातर ग्रो नहीं होते और वो ख़राब हो जाते हैं। तो आप जब भी सीडिंग करते हैं, तो आपने अगर 50 सीड लगाए हैं, तो ये मान के चलिए कि आपके 35 या 40 ही सीड ग्रो होंगे आखिर समय तक। तो आप बिल्कुल दुखी ना हो कि बहुत कम ग्रोइंग हो रही है। आप हमेशा, अगर आपको 50 सीड प्लांट चाहिए, तो कम से कम 80 सीड लगाया करें, पहली बात। इसके अलावा आप हमेशा बड़े सीड एक पहली रो में लगाएं, उससे छोटे दूसरी रो में, और जो आखिर में बच जाएँ वो तीसरी रो में। तो आपको फिर अच्छे जो प्लांट हैं वो आपको पहली रो में मिल जाएंगे, और जो फिर आपके जो कमज़ोर प्लांट हैं वो उसके बाद आते जाएंगे। सीडिंग में दोस्तों ये होता है कि जो बड़े बीज होते हैं, जो मजबूत सीड होते हैं, वो जनरली आसानी से ग्रो कर जाते हैं। तो मैं आपको दिखाऊं, जैसे आप ये देखिए, ये डहेलिया है, मिक्स कलर है, और ये लगभग 80% ग्रो किए हैं, और बहुत सुंदर इनका पौधा बना है। तो डहेलिया, और ये देखिए, ये क्रैंडूला है, और ये वॉर्न क्रीम है जो मैंने स्पेशल अपने लिए मंगाया था। मैं इनकी खेती, फार्मिंग शुरू करना चाहता हूँ अपने यहाँ, लगभग 1 एकड़ में। इसका सीड काफ़ी महंगा आता है, तो मैंने कुछ पैकेट मंगाई और मैं घर पर ही इनका सीड तैयार करूँगा। तो ये मजबूत सीड होते हैं दोस्तों, और ये आसानी से ग्रो कर जाते हैं। तो दूसरा सिद्धांत ये निकला कि जो सीड मजबूत होते हैं, बड़े होते हैं, वो नॉर्मली आसानी से ग्रो कर जाते हैं। अब इसके बाद आएगी सॉइल। सॉइल भी, ये जो सीड आप देख रहे हैं, ये देखिए, इधर मैंने प्योर कोकोपीट यूज किया है, और इसमें ग्रोइंग आप देखिए बहुत कम है। मैंने इसमें वेरवेना लगाई थी, और 3-4 सीड मुझे निकलते दिख रहे हैं। इधर मैंने कोकोपीट प्लस गोबर खाद मिक्स की थी, और इधर लगभग सभी बीज निकले हैं, लेकिन ये कैरंडूला के तो कुछ कह नहीं सकते। इधर आइए, ये देखिए, ये प्योर देसी खाद है, और इसमें मैंने टमाटर लगाया हुआ है, और आप देख पा रहे हूँ ये इनमें जो जर्मिनेशन था वो शुरू हो गया है, और धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। इसमें मैंने एक टमाटर ही लगाया था, एक गार्डनर है विदेशी, कोई नाम मुझे ध्यान नहीं, उन्होंने स्लाइड सीडिंग जर्मिनेशन एक बार वीडियो बनाई थी, मैं बड़ा इंस्पायर हूँ उनसे। तो मैंने वही तरीका अपनाया, और मुझे उम्मीद है कि इसमें अच्छी ग्रोइंग होगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी देसी गोबर खाद और हमारे गार्डन की मिट्टी है, और ये आप देख रहे हैं कोकोपीट का मिश्रण है। इसके अलावा ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये भी नॉर्मल मिट्टी है हमारे यहाँ की, और इसमें हमने बालू मिलाई हुई है, और इसमें हमने वैन वैना और इंग्लिश डेली
मिक्स लगाए हैं और ये बहुत बढ़िया ग्रो हुए हैं। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये है कि आप यो ना समझे कि आपके पास कोको पीट नहीं है तो आपके फूल अच्छे ग्रो नहीं करेंगे या प्लांट आपके ग्रो नहीं करेंगे, बस केवल लगाने का समय और उनकी केयर। तो मैं आज केयर में बता रहा हूँ, सीड अच्छे चयन कीजिए, सीड को क्रमवाइज लगाइए, उसके बाद सोयल में गोबर खाद का ज़्यादा प्रयोग करें, वर्मी कंपोस्ट हो तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर आपके पास राख हो तो राख उपयोग कीजिए, अगर कोयले की राख है तो उसे थोड़ा कम डालिए क्योंकि कोयले में कुछ इतनी मात्रा ज़्यादा होती है कि आपके प्लांट बाद में सड़ सकते हैं। लकड़ी का कोयला हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे हमारी मिट्टी, तो मिट्टी में हम बता रहे हैं कि आपके पास जैसी मिट्टी हो लेकिन वो नाली के पास से ना हो, क्योंकि नाली के पास की जो मिट्टी होती है उसमें एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और वो आपके प्लांट तो ग्रो बहुत जल्दी करेंगे लेकिन जब वो थोड़े से बड़े होंगे तो उसके बाद वो सड़ जाएंगे। सैंड रेत का प्रयोग आप कर सकते हैं, रेत में 80% प्लांट ग्रो होते हैं। ये देखिए जरा, ये देखिए, ये बहुत सारे मेरे पास प्लांट हैं और ये हैं हमारे डेली स्तंभ के और ये काली रेत है आप देख पा रहे हैं और इसमें सभी प्लांट ग्रो हुए हैं। मैंने अपने खेत में से उखाड़ कर इन्हें या फिर एक गमले में लगा दिया है और मैं धीमे धीमे इन्हें सेट कर रहा हूँ अपने पॉट में। तो सेंड के साथ एक प्रॉब्लम है कि उसमें पौधे तो सभी ग्रो करते हैं लेकिन उनमें वाटरिंग आपको समय से करनी होगी क्योंकि एक दिन में ही जो सेंड से पानी की मात्रा है वो उड़नछू हो जाती है, गायब हो जाती है। और सीड उगाने के लिए अगर नमी नहीं रहेगी दोस्तों, अगर एक दिन भी नमी आपकी चली गई यानी के, तो आप समझिए कि आपके सीड ग्रो नहीं होंगे। और एक दिन भी ज़्यादा पानी पड़ गया, जैसे ये देखिए आप देख पा रहे हैं इसमें वाटरिंग ज़्यादा है, और अगर ये 24 घंटे ऐसा ही बना रहा, धूप नहीं निकली, कोहरा बना रहा, तो इसका जो सीड है या प्लांट है वो सड़ जाएगा। तो आपको बहुत केयरफुली पानी देना है, ना तो कम और ना ही ज़्यादा। इधर देखिए ये सभी जो प्लांट हैं ये वैन वेरा के थे और ये सभी ग्रो हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से, आप देख पा रहे हो। तो दूसरी बात है इंतज़ार करना सीखिए, अभी सर्दियाँ हैं, बरसात के समय आपके जो सीड हैं वो जल्दी ग्रो हो जाते हैं लेकिन सर्दियों में जो विंटर का सीजन है तो लगभग 15 से 20 दिन आप मानिए कम से कम किसी भी सीड के लिए। उसके बाद सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है और ये सीड लगाने के दिन से ही आप शुरू कर दीजिए। आप ऐसी जाली लीजिए लोहे की, प्लास्टिक की जाली 10 से 5 रुपये वर्ग फिट आ जाती है, 50 रुपये में बहुत बड़ी जाली आ जाएगी और आप उसे ऐसे कवर कर दीजिए। ये देखिए मैंने कुछ पॉट रख दिए हैं और कुछ ये कोको पीट है, वो कोको नारियल, और आप उसे इतनी ऊंचाई पर रखें कि जो पक्षी हैं वो आपके इन सीड को उखाड़ ना पाएँ, खा ना पाएँ। और जैसे जैसे ये बढ़े तैसे इसकी जो स्ट्रेंथ है ऊँचाई है उसे आप बढ़ाते चलें। तो सिक्योरिटी होगी, सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा है रख रखाव। मैंने दोस्तों आपको अनुमान होगा मैं शुरू के 5-7 दिन अंदर और बाहर करता रहा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी और जब सर्दी होती है तो ग्रो होने में परेशानी होती है, तो मैंने अपने रूम में ले जाता और रूम के बाद इन्हें बाहर फिर सुबह धूप में यानी कि खुले मौसम में रखने के लिए बाहर छत पर लेके आता। तो जनरली दोस्तों अगर आप अच्छे प्लांट चाहते हैं, सीडिंग चाहते हैं, आपकी जर्मिनेशन अच्छा हो, तो फिर थोड़ी तो मेहनत आपको करनी होगी। और अगर बहुत से मेरे दोस्त पूछते हैं कि क्या अभी चिली के सीड ग्रो हो जाएंगे या जो आर्ट ऑफ मौसम सीड है वो ग्रो हो जाएंगे, तो मैं कहता हूँ ग्रो बिल्कुल हो जाएंगे। आपके यहाँ अगर रूम हीटर लगा हुआ है तो आप अपनी जो सीडिंग ट्रे उठा के रूम में रख लीजिए, जनरली 5-7 डिग्री का अंतर आ जाता है टेम्परेचर में और आसानी से ग्रो हो जाते हैं। पॉली हाउस या जो नेट का जो सीडिंग बनाते हैं उसमें यही करते हैं, गर्मी बढ़ा दे जाती है केवल, तो जनरली ग्रो हो जाएंगे लेकिन रख रखाव थोड़ा उनका कठिन होगा बाद में। तो आप ये
देख सकते हैं फ्लावर जो सीड हैं बड़े अच्छे जर्मिनेट हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपके कुछ जो सवाल थे उनका जवाब आपको मिला होगा। तो जो सीडिंग है उसे आप चेंज करें, जहां धूप हो वहां पर रखें शुरू के 2-4 दिन। जैसे आपने आज अगर सीड लगाए हैं और आपके यहाँ तेज़ धूप पड़ रही है तो प्लीज़ उसे छाया में रखें, क्योंकि 1-2 दिन सीड को फूलने के लिए चाहिए, उनमें नमी की मात्रा शोषित होनी चाहिए। 1-2 दिन आप अपनी जो सीडिंग ट्रे है या फिर जैसे आपने मिट्टी में बोए तो उसे कवर कर दीजिए अखबार से, तो उसकी जो नमी है वो धूप में उड़ नहीं जाए, यानी कि निकल ना जाए पानी उसमें से। ऐसा होता है कि आपने बहुत हल्की वाटरिंग की है और वो धूप में है तो फिर क्या होगा कि धूप उसे सुखा देगी और आपके जो सीड है तो वो उन्होंने पानी ग्रहण किया फिर एक साथ धूप पड़ गई तो वो ख़राब हो जाएंगे, वो फिर ग्रो नहीं होंगे। तो मेरा आप मतलब समझ रहे होंगे कि 1-2 दिन आप अपनी सीडिंग को सेड में रखें और जैसे जैसे आपके जो सीड हैं ग्रो कर रहे हैं तो फिर आप उन्हें धूप में ला सकते हैं और फिर आप उन्हें फुल धूप में रख सकते हैं। और छोटे पौधे हैं और बहुत ज़्यादा आपके यहाँ कोहरा छाया हुआ है, सर्दी आ रही है, तो फिर उन्हें कवर करने की थोड़ी सी ज़रूरत होगी। दोस्तों मैं जल्द ही एक पॉली हाउस बनाने की सोच रहा हूँ छोटा सा, और उम्मीद है आपके साथ शेयर करूँगा। थोड़ा सा उसमें खर्चा आएगा लेकिन जनरली जब हम गार्डनिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत हमें वो वहन करना होता है, स्पेंड हम कर सकते हैं इतना। तो मिट्टी आप कहीं की यूज़ कीजिए, सीड आप हमेशा अच्छी किस्म के लगाइए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, वाटरिंग का लेवल बहुत संभाल के रखना है आपको, बहुत ज़्यादा ना ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा। पानी भी आप समय से दें पौधों को, अगर आप टाइम टेबल से पानी देंगे दोस्तों तो फिर देखिए आप हमने पानी का टाइम बांध लें। पौधे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, छोटे फ्लावर प्लांट ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो समय से पानी दें और पानी की मात्रा कम रखें, अभी सर्दी है उस हिसाब से। तो धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे उम्मीद है कि आपको जो आपके क्वेरी थी उनमें से कुछ हल हुई होंगी, और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो निश्चित ही मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ, फिर मुलाकात होगी आपके अपने यूट्यूब चैनल होम गार्डन में, जुड़े रहिए मेरे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद, बाय।